पे सांसद है देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने कहा है कि हमें मुसलमानों और यादवों की वोट की जरूरत, उनका काम नहीं करेगा, कैसे देखते हो किस बयान? ना ना, उन्होंने बयान को तोड़ मरोड़ करके मत प्रस्तुत कीजिए। उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, एक सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी परिवारवादी जमींदारी के पीछे रहने वाले बंधुआ मजदूर बन गए, ऐसे लोग की प्राथमिकता कैसे होगी? भारत देश आज़ाद है, लेकिन आज भी परिवारवादी गुलामी की मानसिकता में कुछ समाज को लोग बांध के रखना चाहता है, तो जो वोट दिया है उसकी प्राथमिकता पहले रहेगी। उनका भाव का प्रकटीकरण तो यही था, और यही भी होता है कि जो वोट देता है उसकी प्राथमिकता पहले रहती है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जितनी भी योजनाएं चलाते हैं, सरकार जब भी काम करती है सबके लिए करती है, लेकिन विधायक सांसद को अपनी भावना प्रकट करने का भाव, एक भाव एकदम स्पष्ट है, भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनका भाव है कि आखिर ये लोग विकसित बिहार विकसित भारत के साथ चलने में क्या परहेज है, क्यों आपत्ति है, क्यों एक परिवार का एक व्यक्ति का एक भ्रष्टाचारी का बंधुआ मजदूर के तरह एक आतंकवादी उग्रवादी भ्रष्टाचारी और अपराधी को संरक्षित करने वाले को क्यों तरजीह देता है? ये प्रश्न तो पूछेगा ही, ये तो जायज प्रश्न पूछता है लोग कि आखिर क्यों उसके पीछे इस तरह की भाव है। अरे उसी समाज में कई अच्छे लोग हैं, हर पार्टी में जिसमें प्रतिभा है उसको आगे बढ़ने का मौका क्यों नहीं राजद में मिलता है, क्यों नहीं कांग्रेस में मिलता है? राजद कांग्रेस के लोग का इस तरह का बंधुआ मजदूर बनाना ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। विपक्ष के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, विपक्ष को बंधुआ मजदूरी पर तो बोलना चाहिए। कल जोर करके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवराज के सामने खड़े हो जाते हैं, राहुल गांधी के सामने, बिहार के अंदर आप देख लीजिए बुजुर्ग बुजुर्ग लोग तेजस्वी यादव जी के सामने कल जोर के खड़ा होते हैं। ये मेरा संस्कार और संस्कृति नहीं है, और ये लोकतंत्र इसका कहीं अनुमति नहीं देता है।